ये सलीम भाई का कठी, इसके ज़रिए जो हमारा कठी है जो नंगर अंदाज है, तूफान और बारिश में नंगर अंदाज था, ये अभी जा रहे, इसको लेके आ रहे, वो दूर नज़र आ रहे, वही हमारा कठी है, अभी ये जाएगा, जो हमारा वाला कठी है उसको लेके आएगा। वो है हमारा वाला कठी, नंगर अंदाज है, बारिश के पानी से भरा हुआ है। चप्पू चला के आस्ता आस्ता जा रहा है, मौज भी है समंदर में, अभी थोड़ा नॉर्मल है। सलीम भाई पहुंच गया हमारे कठी पर, अभी देखो पहुंच गया, अभी आप लोगों को दिखा देते हैं सलीम भाई का शिकार का केकड़ा। ये देखो सलीम भाई ने शिकार किया है, ये है केकड़ा, जाल से छुड़ा रहे हैं, इसको टांगा भी बोलते हैं, केकड़ा भी बोलते हैं उर्दू में। 2 किलो 120 रुपये में जा रहे हैं। देखो यह नरम मुलायम जाल है, जब उसको छुड़ाएगा जाल भी पट जाते हैं। केकड़ा ये सपोर्ट, इसके ज़रिए जो केकड़े के शिकार पर जाते हैं। सोल है, सोल कुछ सोल पे जो साइज 275 रह गए। ये हमारे कच्ची सलीम भाई ने लेके आया, किनारे में पहुँचाया, मौजूदी है समंदर में, कच्ची में बारिश के पानी से भरा हुआ है, लेके आएंगे उसके ऊपर चढ़ाएंगे, और बारिश का इम्कान है शाम 5-6 बजे, और अगर मजीद एहतियात नहीं करेगा ये तो डूब भी जा सकता है, पहले से पानी से भरा हुआ है, बारिश हो जाए तो डूब भी सकता है, अब इसको ऊपर चढ़ाएंगे। देखो बारिश के पानी से भरा हुआ है, ऊपर चढ़ाएंगे उसको, सेफ्टी करेंगे, फिर रात को बारिश है, तूफान है, हवा है, अगर एहतियात नहीं कर सकेगा तो डूब भी सकता है, इसलिए थोड़ा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए, इंशाल्लाह इसको ऊपर चढ़ाएंगे। नसीब भाई अभी समंदर से निकल चुका है शिकार पर था, अभी ये जो केकड़ा है इसको चढ़ा रहे हैं, ये मुलायम नरम जाला है, इसको चढ़ाने में ये जाला पट भी जाता है। ये
सपोर्ट नसीब का, इसके ज़रिए शिकार पर जाते हैं। एक बंदा जाता है शिकार पर, यह सोल है, सोल पेश, और ये इसका जाला है, ये बिलू केकड़ा है। इसका रेट थोड़ा ऊपर है, पी किलो 600 रुपये में जा रहे। ये देखो जाले, ये जाले के अंदर केकड़ा चुड़ाने में थोड़ा आसानी है, क्योंकि ये नरम है, पट जाता है, फिर निकलता है ये जो केकड़ा आसानी से। ये देखो आसानी से निकलते हैं, लेकिन जाला पट जाते हैं। ये देखो वजन कर रहे हैं, हेलो, ये केकड़ा वजन कर रहे हैं। ये व्यापारी लोग इधर समझो लेते हैं समंदर के किनारे पर, फिर आस्ते आस्ते जमा करते हैं, फिर बाद में जो गाड़ी मंगवाया जाता है उसके ज़रिए कंपनी में लेके जाते हैं। ये है बिलू टांगा, इसको अलग वजन कर रहे हैं बिलू टांगे को। बिलू टांगे ये किलो 600 वाला हो गए, वजन से जा रहे हैं। ये बिलू टांगे लेकिन ये बहुत कम शिकार मिलता है बिलू टांगा। ज़्यादातर ये मिलते हैं, ये पीला वाला उसको टिक्की बोलते हैं, ये ज़्यादातर शिकार मिलता है। इसमें तीन निशान होता है, इसका शिकार ज़्यादा मिलता है। और बिलू टांगा है उसका शिकार बहुत कम मिलता है, लगता है ये बिलू टांगा का शिकार ज़्यादा मिलता है। केकड़े का ये जाला, केकड़े का चढ़ा रहे हैं। ये देखो मछली चढ़ा रहे हैं, इसको कुक्कड़ बोलते हैं, छोटा साइज़ का, इसमें कांटा ज़्यादा होता है, चुड़ाने में ये जाले भी पट जाते हैं। ये सारे केकड़ा देखो जाल के अंदर है, चुड़ा रहे हैं। ये जाला भरा हुआ है केकड़े से, आस्ते आस्ते चुड़ा रहे। ये है शरीफ भाई, केकड़ा मेकड़ा चुड़ाया है, ये जाला सही कर रहा है तरतीब से। सुबह ही निकलेंगे शिकार पर, जाला तैयार कर रहे हैं, केकड़ा मेकड़ा चुड़ाया है। अक्सर सुबह 4-5 बजे से निकलते हैं शिकार पर, फिर 10 बजे 9 बजे फिर वापस आते हैं, इधर चुड़ाते हैं, ऊपर लेके आते चुड़ाते हैं। कट्टी मावर है नहीं थे ये शूर मावर ना तो शूर ही उशा दे बोले थे ये हुई है ये भी शार नहीं करे गंदे नहीं जाओ शान गंद मत दे ना अच्छा अस्तर के ना मुस्कारे ना ऊपर ऊपर ना शाओ के बड़ा बनने भी देता है पास का ना। ये केकड़ा वज़न करने के बाद इसको इकट्ठा कर रहे हैं, इसको इकट्ठा करके बाद में कंपनी में लेके जाते हैं। सारा इकट्ठा कर दिया, ट्रा भरा दिया, कुछ इधर पड़ा हुआ है। चलो चलिए सावर आओगे ना लेके जाते हैं। साधु दया मिक्सा, चलो साधु दया रहोगे मिक्सा। चिक्का भी ताज़ा कर। चल साफी चल साफी चल उतना साफी।